जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग ने मेरे चैनल पर मऊ से लेकर दुल्लापुर तक और दुल्लापुर से लेकर सादात तक और सादात से लेकर औढ़ियार तक आप लोगों ने रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना देखा। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाया भटनी से लेकर और आपको लार रोड तक का जो रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना है वो मैं आपको दिखाया। तो आज मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ रसड़ा से लेकर और इंदारा तक रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना, जहाँ मैं हूँ ऑन बोर्ड ट्रेन नंबर 19046 में, और जो कि छपरा से चलकर और सूरत के बीच ये जो ट्रेन है वो चलती है। और अभी जो है वो हम लोग रसड़ा रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन है वो निकल रही है। बाकी आप रसड़ा रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकलते ही आप देख सकते हैं कि जो दोहरीकरण जो कार्य है वो कितना हुआ है और कितना जो कार्य है वो नहीं हुआ है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं कि जो बगल में आप स्लीपर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे रखे हैं और ना ही यहाँ पे रेलवे ट्रैक का काम हो रहा है। बाकी कुछ दूर आपको आउटर पे जो रेलवे ट्रैक जो लगे थे वही बस यहाँ पे जो कार्य बस वो हुए थे। और बाकी यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि केवल यहाँ पे जो है वो गिट्टी वगैरह जो है वो डाल दिया गया है और बगल में जो है वो आपका इलेक्ट्रिक के जो पोल्स है वो भी लगा दिए गए हैं। तो चलिए जो ट्रेन है वो धीरे धीरे जो है वो एक्सेलरेशन आ रही है और अभी यहाँ से जो सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो आपका रसड़ा से लेकर और आपका रजमलपुर रोड तक का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है। फिर रजमलपुर से आपका रतनपुरा, फिर रतनपुरा से आपका हल्दर और हल्दर से लास्ट सेक्शन जो रहेगा वो आपका इंदारा तक का जो सेक्शन है वही रहेगा। भाई बाकी आप पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार जो है ना वो पूरा मतलब गिट्टी वगैरह जो है वो पूरा डाल दिया गया। यानी आप पूरा कह सकते हैं कि जनवरी के लास्ट तक जो ये पूरा सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ जो है वो नज़र आएगा। तो अगर कुछ लेट होगा तो आपको जनवरी से जो है वो फरवरी तक जो है वो हो जाएगा।
तो बाकी अभी जो है वो हम लोग रजमलपुर रोड को आज जो है वो स्किप कर रहे हैं, और बगल में अभी ये देख सकते हैं ये जो रजमलपुर जो रोड का जो है ना वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 का जो हॉल्ट है वो बनाया जा रहा है। वैसे आप पूरा मिट्टी की ढेर उधर देख रहे होंगे ना किनारे, वो पूरा रजमलपुर रोड है। और बाकी हम लोग रजमलपुर रोड से अब जो है वो निकल चुके हैं, और यहाँ से जो सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो आपका रजमलपुर रोड से लेकर और आपका रतनपुरा तक का जो सेक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। और इस सेक्शन पे भी हम लोग को यही देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो कार है ना वो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो हो चुके हैं और हो रहे हैं, और बाकी यहाँ पे जो कहीं कहीं जो इलेक्ट्रिक जो पोल्स हैं वो लगाए गए हैं, और कहीं कहीं जो है वो इलेक्ट्रिक के पोल जो है वो नहीं लगाए गए हैं। तो अभी आप पूरा देखते रहिए और मैं मिलता हूँ आपसे रतनपुरा से पहले। तो बाकी अभी हम लोग जो है वो पहुंचने वाले हैं रतनपुरा रेलवे स्टेशन, और रतनपुरा का पहले आप लोग स्किप देखिए, फिर उसके बाद जो रतनपुरा का जो अपडेट है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी अभी हम लोग जो है वो निकल चुके हैं रतनपुरा रेलवे स्टेशन से। बाकी आप लोगों ने रतनपुरा रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने देखा ना जो कार है वो सब कुछ हो रहा है, और यहाँ पे जैसे ही हम लोग रतनपुरा से निकले हैं वैसे हम लोग को देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे रेल ट्रैक जो है वो लगाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितना दूर तक जो रेल ट्रैक्स है वो लगाए गए हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे पूरा दूर तक जो रेल ट्रैक है ना वो यहाँ पे लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक के जो पोल्स हैं वो अभी जो है वो नहीं लगाया गया है।
बाकी अभी हम लोग जो है वो पहुंचने वाले हैं हल्दरपुर रेलवे स्टेशन, और हल्दरपुर रेलवे स्टेशन को भी हम लोग स्किप करेंगे, और स्किप मतलब हल्दरपुर जो रेलवे स्टेशन है वो तो हॉल्ट है, और बाकी अभी हम जो है वो हम लोग पहुंचने वाले हैं हल्दरपुर हॉल्ट, जहाँ पे हम लोग को देखने को ये मिलेगा कि भाई जो यहाँ पे कार जो है ना यहाँ पे सब कुछ हो रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि जो है वो अब हम लोग हल्दरपुर हॉल्ट को जो है वो स्किप करेंगे, और बाकी आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं ये पूरा जो है वो हल्दरपुर हॉल्ट है। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म 2 है जो उसको बनाए जाने का जो कार है वो किया जा रहा है, और यहाँ पे जो लाइन वगैरह जो है वो सब कुछ ही बीत चुके हैं। यानी आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फरवरी तक या जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के लास्ट तक ये जो पूरा सेक्शन है वो आपको कम्प्लीट होता हुआ जो है वो नज़र आएगा। और यहाँ से जो सेक्शन अभी स्टार्ट होता है वो आपका आपका हल्दरपुर से लेकर और आपका इंदारा तक का जो रेल रूट का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है। तो चलिए आप लोग इस रूट पे भी देखिए जो कार कितना हो रहा है, और मैं मिलता हूँ सीधा इंदारा के पास।
तो बाकी अब हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं इंदारा रेलवे स्टेशन, और बाकी वो लाइन आप जो देख रहे हैं वो आपका गोरखपुर भटनी मेन लाइन जो है वो है आपका, जो कि इलाहाबाद बनारस मऊ भटनी गोरखपुर मेन लाइन जो है वो है, और यहाँ से इंदारा से निकल गई है एक लाइन आपको बलिया की तरफ। तो भाई आप लोग को अब तक पूरी ये वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो है वो आप ज़रूर बताइएगा। और हम लोग जो है वो सीधा पहुंच चुके हैं इंदारा रेलवे स्टेशन, जहां पे हम लोग गोरखपुर के लाइन पे जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो शिफ्ट होने वाले हैं, और अपनी जो ट्रेन है वो इंदारा के ठीक बिल्कुल प्लेटफॉर्म संख्या 2 से जो ट्रेन है वो धीरे धीरे जो है वो मऊ के लिए जो है वो रवाना हो रही है। और बाकी आपको ये पूरी जो आपको रेल ट्रैक दोहरीकरण की जो कार है वो आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप और किसी सेक्शन का दोहरीकरण देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन के जर्नी और वीडियो में।